नमस्कार, मैं हूं दीपांशु मदान और आप देख रहे हैं 20 का बॉस कौन। जी हां, जिस तरह से कल भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में पटक नहीं दिए और फाइनल्स में अपनी जगह प्रवेश कर लिया है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अनुराधा तंवर, खेल पत्रकार जिया न्यूज। कैसे अनुराधा? मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, मगर पहले देखते हैं कल किस तरह से मैच रहा और किस तरह से टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को पटक नहीं दी हमारी इस खास रिपोर्ट में। टीम इंडिया को मिला फाइनल का टिकट। 2014 साउथ अफ्रीकी चोकर फिर हुए चित। सेमीफाइनल में माही आर्मी ने मारा मैदान और वन साइडेड जीत। खिताबी मुकाबले में श्रीलंका से होगा आमना सामना। लक्ष्य 173 रन का था, सामने अफ्रीकी गेंदबाज थे और सेमीफाइनल मुकाबले में ये बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें रोहित शर्मा के बल्ले ने शानदार आगाज दिया। फिर रहाणे ने भारतीय पारी को संवारने में अहम भूमिका निभाई और रहाणे का ये भी स्ट्रॉन्ग जोन और बॉल बाउंड्री के बाहर। लेकिन सेमीफाइनल से फाइनल तक पहुंचने के सफर में सबसे बड़ा रोल प्ले किया विराट कोहली ने। अभी बात कर ही रहे थे कि अगर जेपी डुमिनी को कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए और एक विशाल लक्ष्य के जवाब में नाबाद 72 रनों की विराट पारी खेल डाली। विराट कोहली के इसके साथ 50 भी सिर्फ 35 गेंदों पर। कोहली ने अपनी पारी में 5 शानदार चौके और 2 लाजवाब छक्के लगाए, जिसके लिए इस बल्लेबाज ने सिर्फ 44 गेंदों का सामना किया। इससे पहले टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसे उसके बल्लेबाजों ने सही साबित करते हुए 4 विकेट खोकर 172 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा किया, जिसमें प्रोटियाई कप्तान के बल्ले से 58 रन निकले। तो वहीं डुमनी ने 45 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को एक सेफ टारगेट तक पहुंचाया। साउथ अफ्रीकी पारी के दौरान भारतीय गेंदबाज टूर्नामेंट में पहली बार फेल हुए और एक और छक्का। सिर्फ अश्विन भारतीय टीम की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे। हालांकि साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने भारत को एक बड़ा लक्ष्य जरूर दिया, लेकिन गेंदबाज उसे बचा पाने में नाकाम रहे और इस हार के साथ ही प्रोटियाई टीम एक बार फिर चोकर्स का ताज अपने सिर से उतारने में नाकाम रही। मैच सेना बनके जिताया। वहीं भारतीय टीम ने इस जीत के साथ ही फाइनल में एंट्री मार ली, जहां 6 अप्रैल को अब टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होगा। रवि सिंह, जिया न्यूज। चलिए, तो शानदार तरीके से हराया टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को। अनुराधा, कैसे देखते हैं अब इंडिया जो है जीत की पटरी पर आ गई है, बैक टू बैक आपके पास 4 विंस मिली हैं और अब कहा जाए तो विनिंग मोमेंटम भी टीम इंडिया के पास होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अपना फॉर्म दिखाया, शानदार तरीके से टूर्नामेंट का आगाज किया था। अगर आप शुरुआत से देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप का आगाज किया जीत के साथ, शानदार तरीके से पाकिस्तान को हराया। उसके बाद अपने लीग के 4 मुकाबले जीते और सेमीफाइनल में जिस तरह से कल साउथ अफ्रीका को रौंद दिया और फाइनल्स में एंट्री मारी है बखूबी। आप इसके कह सकते हैं कि माही ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, बहुत अच्छी रणनीति बनाई है और अब पॉजिटिव एक एटीट्यूड आ गया है टीम इंडिया के पास। अगर गेंदबाजी की बात करें तो कल गेंदबाजी लाइनअप कोई कामयाब खास हो नहीं सका और 173 रनों का जब हमें लक्ष्य मिला तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब स्थिति जो है वो डामाडोल स्थिति में है और कहीं ना कहीं अब प्रेशर में आ जाएगी इंडिया, मगर वहां से क्या कहना चाहेंगे, विराट कोहली ने कैसी पारी खेली, उसके बाद अग्रसर का ना सिर्फ टीम इंडिया को जीत के लिए मगर लास्ट में इंडिया को जीत की तोहफा देता, वो सौगात देते हो फाइनल्स तक का सफर तय कराया, उसके लिए क्या कहेंगे विराट कोहली के लिए? देखिए, विराट कोहली की जब हम बात करते हैं तो विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो शानदार फॉर्म में है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके पास ना सिर्फ टेक्निक्स हैं बल्कि टेम्परामेंट भी है। उन्हें पता है कि किस तरह से क्रीज पर डटना है। जब एक तरफ से विकेट्स निकल रही हैं तो उन्हें वो उस जिम्मेदारी का एहसास है। वो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं और जिस तरह से कल की अगर हम बात करें, एक विशाल टारगेट था, 173 रन का एक बड़ा टारगेट होता है T20 में, लेकिन जिस तरह से चेज किया टीम इंडिया ने, यहाँ पे तारीफ करनी होगी विराट कोहली की, क्योंकि उस पर कप्तान जो कैप्टन कूल है महेंद्र सिंह धोनी, वो उस पर बहुत रिलाय करते हैं, काफी भरोसा करते हैं और कोहली ने उसी भरोसे को कायम रखा और तोड़ने नहीं दिया। जी हाँ, अगर बात ओपनिंग साझेदारी की करें तो रोहित शर्मा ने भी बखूबी साथ निभाया अजिंक्य रहाणे का और इंडिया को जो ओपनिंग स्टैंड था वो बहुत अग्रेसिव दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी जो माइंडसेट के साथ उतरना चाहेगी जब कल इंडिया टकराएगी श्रीलंका से, तो शिखर धवन का जो पहलू है वो अब आउट ऑफ द स्कोप लगता नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि इन्हीं दो ओपनर से जाएगी टीम इंडिया? देखिए, यहाँ पे अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि धोनी अनप्रिडिक्टेबल है। जिस तरह से वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं,
कोई हम प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से अजिंक्य रहाणे ने ओपनिंग की वो अच्छी थी, लेकिन अब फाइनल्स हैं, यहाँ पर रिस्क मुश्किल ही है कि धोनी को यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि विनिंग ट्रैक आपके पास है, पिछला सेमीफाइनल्स आप शानदार तरीके से जीते हैं, अब फाइनल्स में कोई फेर बदल करे और उससे कोई चूक हो जाए, फाइनल्स में कोई गलती हो जाए, मुझे नहीं लगता धोनी ऐसा कुछ करेंगे। चलिए, तो आपने बात की धोनी की, और धोनी एकदम कहा जाता है कि जैसे डिपेंडेबल कप्तान तो हैं, साथ में वो एक गैम्बलर भी हैं, ही इज अ बिट ऑफ अ गैम्बलर, एज गांगुली सेड की वो जो भी करते हैं अपने आपको इंस्टिंक्ट को बैक करते हैं और वहां से जो तिरुपका निकालते हैं उससे कहीं ना कहीं टीम इंडिया को जीत नसीब होती है। बहरहाल चार में से चार मैच इंडिया जीत चुकी है, कल विराट कोहली ने एक शानदार पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिलाई। गिफ्ट के तौर पर कप्तान कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी ने भी कुछ ना कुछ कोहली को दिया, क्या कुछ दिया देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। विराट का धोनी को गिफ्ट, दिला दी टीम इंडिया को फाइनल में एंट्री, बदले में धोनी का विराट को रिटर्न गिफ्ट। धोनी ने विराट कोहली को दिया विनिंग शॉट का मौका, विनिंग रन, और इसके साथ ही इंडिया ने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप आईसीसी टी20 के लिए। इस मैच में धोनी के पास एक बार फिर मौका था विजयी शॉट खेलने का, इंडिया को एक रन की जरूरत, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर धोनी टीम इंडिया को जीत दिला सकते थे, लेकिन हेंड्रिक्स की आखिरी गेंद पर धोनी बिना रन लिए खड़े रहे। घसीट घसीट के मारेंगे, विनिंग रन कोहली को दिया, 172 चार विकेट पे दरिया दिल धोनी, जिससे आखिरी ओवर में विनिंग शॉट खेलने का मौका विराट को मिल जाए, और विराट ने भी धोनी के इस गिफ्ट को दिल खोल कर कबूल किया। विराट का चौका बना विनिंग शॉट, 20वां ओवर करने के लिए डेल स्टेन आए और विराट ने उनकी पहली ही गेंद पर जबरदस्त चौका जड़कर टीम इंडिया को जीत दिलाई। उस समय जीत के लिए टीम इंडिया को एक रन की ही दरकार थी। ललकार का प्रतिकार, भारत ग्रैंड फिनाले में चारों तरफ खुशियां। विराट ने 44 गेंदों पर 72 रन की शानदार पारी खेली और इस दौरान 5 चौके और 2 छक्के भी जड़े। तो इसलिए धोनी ने नहीं लिया था रन, विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान धोनी ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने आखिरी गेंद पर रन नहीं लिया था। विनिंग रन कोहली को दिया, 172 चार विकेट पे दरिया दिल धोनी। धोनी ने कहा, नंबर 3 पर विराट का होना टीम के लिए शानदार है, हर किसी के पास उसे सीखने के लिए कुछ न कुछ है। मैं विराट के लिए सबसे अच्छा यही कर सकता था कि उसे विनिंग शॉट खेलने का मौका दूं, और इसलिए मैंने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर रन नहीं लिया। धोनी की कप्तानी में नहीं हारे हैं सेमीफाइनल में। टीम इंडिया ने धोनी की कप्तानी में आज तक जितने भी सेमीफाइनल मैच खेले हैं उसमें से एक भी नहीं हारा है। धोनी की कप्तानी में अगर टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है तो फाइनल में जरूर गई है। ये आंकड़ा साबित करता है कि धोनी कितने शानदार कप्तान हैं। और अब एक बार फिर से धोनी से उम्मीद है कि वो 2007 का वो दृश्य एक बार फिर से दोहराते हुए भारत को T20 का चैंपियन बनाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, चिया न्यूज़। तो अनुराधा क्या कहेंगे, जिस तरह से कल विराट कोहली ने शानदार पारी खेली, उसके बाद एक गिफ्ट भी दिया कप्तान कुल महेंद्र सिंह धोनी के, आखिरी जो रन है वो आप बटोरें, आप बाउंड्री से फिनिश करें, और वो भी तब जब डेल स्टेन सामने खड़े हों जो कि प्रसिद्ध फास्ट बॉलर्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, उसमें आपको ऐसा मौका देना कितना जायज है, और दूसरी बात कैसा रहा होगा ये विराट कोहली के लिए ऐसा गिफ्ट। देखिए, जिस तरह से धोनी को जाना जाता है वो अच्छे मैच फिनिशर हैं, अगर आप याद करें 2011 वर्ल्ड कप उन्होंने छक्का मार के मैच जिताया था, और आज भी कल के मैच की भी अगर हम बात करें तो धोनी के पास स्ट्राइक थी और एक रन चाहिए था, उस वक्त हेंड्रिक्स बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन धोनी ने रन नहीं लिया, और अगले ओवर में जब विराट कोहली क्रीज पर आए, स्ट्राइक मिली उन्हें और उन्हें चांस दिया धोनी ने कि कोहली को एक विनिंग शॉट लगाने का, वो अपने आप में एक गिफ्ट था, क्योंकि कोहली काफ़ी टाइम से क्रीज पर खड़े थे, उन्होंने पारी को संभाला था, एक विशाल टारगेट जो सेट कर दिया था दक्षिण अफ्रीका ने उसको चेज किया था, टीम इंडिया को फाइनल्स तक पहुंचाया था, तो यहाँ पे एक गिफ्ट बनता था कप्तान की तरफ से, और कप्तान ने वो बखूबी दिया,
और जिसे जिसे कोहली ने पूरी तरह से एक्सेप्ट भी किया। अनुराधा ये तो ठीक है, मगर क्या आपको इसमें कहीं नेगेटिव स्ट्रेटजीज नहीं दिखती कि आपको वो एक रन हो सकता है कि भारी पड़ जाता, क्योंकि कहा जाता है कि क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप जीता हुआ मैच यहां से हार रहे हैं, तो आपको लगता है वो जायज था कि आखिरी गेंद को जब जान के आपने डॉट करा दिया और महेंद्र सिंह धोनी ने स्ट्राइक जो है विराट कोहली के कंधों पर दे दी कि आप जाकर के मैच जिताएं, वहां से जब इजीली मैच जिताया जा सकता था तो फिर लेट कराने के लिए क्यों छोड़ा? समझ में आता है कि कोई खिलाड़ी शतक जमाने के करीब खड़ा हो तो उसे स्ट्राइक दे दी जाती है, मगर एट द कॉस्ट ऑफ इनिंग आप इंडिया मैच जीतने जा रहा है उसके कॉस्ट पर आप कैसे किसी को स्ट्राइक दे सकते हैं? देखिए दीपांशु जी, अगर हम बात करें कल के मैच की, जिस तरह से एक रन चाहिए था और विराट कोहली ने शानदार पारी खेली थी, आपको लगता है कि क्रीज पर अगर विराट कोहली खड़े हों और धोनी खड़े हों तो क्या वो मैच एक रन से हार जाएगी टीम इंडिया? दोनों इतने ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और चाहे वर्ल्ड का कोई भी गेंदबाज उस वक्त आ जाए, टीम इंडिया को जीत से कोई दूर नहीं कर सकता था। और महेंद्र सिंह धोनी अच्छी तरह से जानते थे कि जिस तरह से कोहली ने यहाँ पे बल्लेबाजी की है वो विनिंग शॉट जरूर लगा सकते हैं। अगर रैना की बात करें तो उसको कितना नंबर देना चाहेंगे आप? बिकॉज जिस तरह से उन्होंने पारी खेली थी आउटस्टैंडिंग, जिस समय वो क्रीज पर आए थे तो लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 5 ओवर में 56 रन कुछ इस तरीके का चाहिए था, 11 के आसपास का औसत हो गया था, वहां से आके बिल्कुल एक्सेलरेट करना और जीत की पटरी पर इंडिया को लेकर के जाना, सुरेश रैना ने क्या कहेंगे कि शानदार वापसी की? देखिए बिल्कुल T20 फॉर्मेट में सुरेश रैना एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है टीम इंडिया के पास, हमेशा से वो अच्छा खेलते हैं, T20 फॉर्मेट में उनकी खासी पकड़ है। एक जो इंडिया की तरफ से सेंचुरी लगाई है वो सुरेश रैना ने लगाई है, और इस फॉर्मेट में अगर इससे पहले अगर हम बात करें सुरेश रैना की तो तमाम आलोचनाएं हो रही थी, लेकिन जिस तरह से कमबैक किया है सुरेश रैना ने T20 वर्ल्ड कप में, उनकी तारीफ करना बनता है यहाँ पे। और कल के मैच में भी अगर हम बात करें तो कोहली और रैना के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई थी जिसे बखूबी उन्होंने निभाया और एक अच्छा टीम को चेज करी थी और उस टीम को एक विनिंग मोमेंट तक ले जाने में उन्होंने पूरा योगदान दिया। जी दीपांशु, चलिए तो कल के आने वाले मैच पर चर्चा जारी रहेगी, कैसा खेलेगा टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ, फाइनल्स में कैसे भिड़ेगा और कौन कौन से वो शस्त्र होंगे, अस्त्र होंगे जो टीम इंडिया इस्तेमाल करना चाहेगा और श्रीलंका को पटक नहीं देना चाहेगा। जल्द लौट रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक का, यहां पर वक्त हो चला, छोटा सा ब्रेक जारी है, खास पेशकश फाइनल्स में टीम इंडिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वॉचिंग फाइनल में इंडिया। जी हाँ, खेल खिलाड़ी खबर का एक खास सफर फाइनल में इंडिया। कल हम बात करें कि जिस तरह से श्रीलंका में मुकाबला होने वाला है श्रीलंका के खिलाफ, मगर उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जिसमें विराट कोहली ने कहा था कि जब वो वर्ल्ड कप जीते थे 2009 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। क्या दृढ़ संकल्प किया था उन्होंने, क्या उन्होंने उम्मीदें जताई थी कि जो भी हम वर्ल्ड कप जीतेंगे उसको मैं अपने पिताजी को डेडिकेट करना चाहूंगा, एक रिपोर्ट। पहले अंडर-19, फिर वर्ल्ड कप 2011 और अब वर्ल्ड T20 2014। पूरा होगा विराट का सपना। 2009 अंडर-19 वर्ल्ड कप, टीम की कमान थी विराट कोहली के हाथ में, लेकिन फाइनल से पहले कोहली को लगा हिला देने वाला झटका जिसमें विराट ने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन इस जावाज खिलाड़ी ने हिम्मत नहीं हारी और उन मुश्किल परिस्थितियों में अंडर-19 वर्ल्ड कप की जीत अपने पिता को समर्पित कर दी। इस जीत के साथ ही विराट कोहली ने एक सपना भी देख लिया था,
वो सपना था सारे फॉर्मेट्स में वर्ल्ड कप जीतकर अपने पिता को समर्पित करने का। साल 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, जिस विश्व विजेता टीम के हिस्सा रहे टीम इंडिया के विराट खिलाड़ी। और अब बारी है वर्ल्ड टी20 की। ढाका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका को हराकर विराट अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। वर्ल्ड कप की जीत को वो अपने पिता को समर्पित करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में साबित भी कर दिया है। विराट ने वर्ल्ड टी20 में खेले 5 मुकाबलों में 242 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 128.04 का रहा। विराट ने इस वर्ल्ड कप में 3 अर्धशतक भी लगाए हैं। 242 रन बनाने के साथ ही विराट इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली इस वक्त शानदार फॉर्म में है, और जिस तरह से विराट ने सेमीफाइनल में विस्फोटक 72 रन की नाबाद पारी खेली, उसके बाद श्रीलंका पर भी विराट का खौफ चढ़ चुका है। अब सभी की उम्मीदें हैं कि टीम इंडिया एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम करे, और साथ ही साथ विराट कोहली भी अपना अधूरा सपना जरूर पूरा कर सके। अनुराधा तंवर, जिया न्यूज। तो अनुराधा क्या कहेंगे, जिस तरह से विराट कोहली ने अपना सपना जाहिर किया था कि जैसे ही पिताजी एक्सपायर हो गए, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट रहता है, कहीं ना कहीं जो फैमिली ट्रबल आ जाता है, उसके बाद सोच में पड़ जाते हैं खिलाड़ी कि अब क्या किया जाए। सचिन तेंदुलकर मुझे याद आता है कि जिस तरह रमेश जी का देहांत हुआ था, अगले ही दिन आके उन्होंने रणजी ट्रॉफी में शानदार शतक जड़ा था, ऐसा ही कुछ विराट कोहली के कंधों पर भी प्रेशर नजर आया जब उन्होंने 2009 में विश्व कप अंडर-19 भारत को जिता दिया। उसके बाद एक दृढ़ संकल्प किया कि अब मैं जो आगे वाले टूर्नामेंट जीतना चाहूँगा, वो उसकी जो जीत है पापा को डेडिकेट करना चाहूँगा। कितना इमोशनल होते हैं खिलाड़ी, और ऐसा कुछ जब हो जाता है फैमिली में, वहाँ से कैसे ओवरकम किया जाता है? विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने नेशन के लिए खेलते हैं, उनके अंदर वो डेडिकेशन दिखाई देती है। अगर आप उन्हें नेट प्रैक्टिस करते हुए देखें तो वहाँ पर वो घंटों प्रैक्टिस करते हैं, उनके अंदर वो भावना है कि वो देश के लिए खेलना चाहते हैं, जो कि उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है। अभी अगर हम बात करें टीम इंडिया का सबसे फाइन बैट्समैन किसे कहा जाए तो वो विराट कोहली होंगे, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसे कही जाए वो विराट कोहली है। अभी लास्ट सेमीफाइनल में जब हम देखें तो मैन ऑफ द मैच रहे थे, वो है विराट कोहली। विराट कोहली के बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन जब 2009 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की अगर बात करें, उस टाइम पे अपने फादर को उन्होंने खो दिया था, और जब उस वक्त फिर उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीता सिर्फ अपने पिता के लिए, कि चाहते थे, वो इमोशनल थे उस वक्त, लेकिन वो चाहते थे कि वो अपने फादर को वो डेडिकेट करें। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं हर फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीतकर अपने फादर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। अभी अगर 2011 वर्ल्ड कप में बात करें तो वो विनिंग टीम के हिस्सा रहे, और अब 2014 में टी20 वर्ल्ड कप जीतकर वो अपने ये ख्वाहिश जो उनकी अधूरी है टी20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीतने की, वो पूरी करना चाहते हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं इमोशनल मोमेंट जो है वो जाता है खिलाड़ियों के पास, मगर उससे उभर करके विराट कोहली सामने आएंगे। देखता होगा कि कल किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। बहरहाल, कल इंडिया की जो जीत हुई उसमें कौन से 5 फैक्टर्स अहम है, आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। भुवनेश्वर के झटके ने की शुरुआत। क्रिकेट के चोकर्स कहे जाने वाले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उसके सलामी बल्लेबाज क्लिंटन डी कॉक ने तेज शुरुआत की, और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पहले 3 गेंदों पर 9 रन बना लिए। कोई मौका नहीं महेंद्र सिंह धोनी का, लेकिन वो टीम इंडिया के लिए खतरनाक बनते इससे पहले भुवी ने 4th गेंद पर विकेटकीपर धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। क्विंटन डी कॉक आउट हुए। अश्विन की पहली ही गेंद पर अमला का आउट होना। छठवां ओवर। और ये बोल्ड। महेंद्र सिंह धोनी के बेहद खास गेंदबाज आर अश्विन ने इस मैच में भी बेहद शानदार गेंदबाजी की, और उन्होंने मैच में कुल 3 विकेट भी झटके। उन्होंने इन 3 में से 2 बल्लेबाजों को बोल्ड भी किया। और उसके बाद जालगी विकेटों से। टी20 वर्ल्ड कप के पिछले 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहे अश्विन ने भारत को दूसरी सफलता जल्द दिलाई। अफ्रीकी पारी के 6th ओवर में जब अश्विन ने अपनी गेंदबाजी का स्पेल शुरू किया तो पहली ही गेंद वाइड चली गई। इसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए खतरनाक बल्लेबाज हाशिम अमला को बोल्ड कर दिया। अमला के आउट होने से भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो भारत के खिलाफ बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। पहले ओवर में 3 चौके से शुरुआत।
बेहतरीन शॉट, वाह। भारत जब 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो उसे आतिशी शुरुआत की दरकार थी, जिसे रोहित शर्मा और अंजिक्य रहाणे ने पूरा कर दिया। जैसे दिखाई रहे थे, दोनों ने पहले ही ओवर में 3 चौके जड़ दिए और बेहतरीन शॉट। पहले ओवर में 14 रन बनाने के साथ टीम इंडिया ने अपनी पारी आगे बढ़ाई, जिसे टीम के लिए लक्ष्य हासिल करने में आसानी हुई और क्लियर कर गए इनफील्ड। 17वें ओवर में रैना की आतिशी पारी ने किया काम। दूसरा सेमीफाइनल मैच 16वें ओवर तक रोमांचक हो चुका था और भारत को यहां से जीत के लिए 24 गेंदों में 40 रन चाहिए थे। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर युवराज सिंह आउट हो गए। युवराज सिंह का आउट होना टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि वो ठीक से खेल भी नहीं पा रहे थे। उनके जाने के बाद सुरेश रैना क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही 5 गेंदों पर 17 रन कूट दिए। इस ओवर में आए 17 रन ने टीम इंडिया का काम आसान कर दिया। अंतिम 5 ओवर में हर ओवर में कोहली ने जड़ा चौका। कोहली ने अंजिक्य रहाणे के साथ अच्छी साझेदारी करने के बाद कई शानदार शॉट्स खेले, जिसे अफ्रीकी क्षेत्र रक्षक रोक पाने में नाकाम साबित हुए। 16वें ओवर में छक्का मारकर अपना अर्धशतक लगाने वाले कोहली ने 15 ओवर के बाद क्रीज पर आने के बाद हर ओवर में चौका या फिर छक्का जरूर लगाया। कोहली ने अपनी पारी में 5 चौके के अलावा 2 जोरदार छक्के भी जड़े। स्पोर्ट्स डेस्क, जिया न्यूज। तो अनुराधा, जिस तरह से कल पारी के लिए वो तो हमने देख ली आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए, मगर जो कल मुलाकात होने वाली है भारत की श्रीलंका से फाइनल्स में, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन से कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया उतर सकती है? क्या मोहम्मद शमी के साथ जाएंगे या फिर मोहित शर्मा को ही लेंगे आखिरी मैच में, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? देखिए, आखिरी मैच है फाइनल्स में, फाइनल्स की जंग है, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। राइट, यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते आप, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। मोहित शर्मा अभी यंग है, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें तो अच्छे बॉलर है, अपने आपको प्रूव कर चुके हैं। न्यूजीलैंड में उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपने आपको प्रूव किया, विकेट्स निकाले थे, और यहाँ पे उन्हें मौका देंगे धोनी, क्योंकि धोनी के पास मोहित शर्मा के तौर पर विकल्प है, लेकिन मोहित शर्मा उतने एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। मगर अगर और गेंदबाजों की बात करें, वुड यू गो विद द 3 स्पिनर्स वी हैव इन फॉर्म ऑफ अश्विन, हमारे पास जडेजा है, हमारे पास अमित मिश्रा है, या फिर आप इसमें से कोई तब्दीली करके एक फास्ट बॉलर को आप मौका देंगे? देखिए, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ हम उतरने वाले हैं तो यहाँ पे हम अपने स्पिनर्स पे ज्यादा रिलाई करेंगे। अमित मिश्रा और जडेजा और अश्विन, तीनों ने इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट्स निकाले हैं। टीम इंडिया अगर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में पहुंची है तो कहीं ना कहीं श्रेय देना चाहिए हमें अपने स्पिनर्स को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, बड़ी बड़ी टीम्स को ऑल आउट तक किया है, उसमें अहम भूमिका निभाई थी स्पिनर्स ने। अगर बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो उसमें क्या फिर एक शिखर धवन का वहां पे चांस क्रिएट होता है, क्योंकि फाइनल्स का मुकाबला, जैसे कि आपने कहा कि एक बड़ा मुकाबला होने वाला, हम एक्सपीरियंस प्रो के साथ जाना चाहेंगे, मोहम्मद शमी को मौका देना चाहेंगे इन प्लेस ऑफ जो कि हमारे पास अन्य गेंदबाज आ जाते हैं। आप शिखर धवन की बात करें तो उसको कितना आप स्ट्रेंथन खिलाड़ी समझते हैं? आउटसाइड द ऑफ स्टंप जब भी बॉल आती है तो वो बहुत ज्यादा विध्वंसक हो जाते हैं, ऐसे में आप नहीं कहेंगे कि शिखर धवन को एक मौका दिया जाए, और क्योंकि वो फाइनल से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा वो श्रीलंका के लिए फेटल प्रूव हो सकता है? देखिए, जहां तक बात है अगर हम शिखर धवन की बात करें, शिखर धवन एक ऐसे खिलाड़ी हैं, विस्फोटक खिलाड़ी हैं, अगर फॉर्म में है तो शानदार तरीके से खेलते हैं, लंबी लंबी पारी खेलते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाते हैं, लेकिन क्योंकि पिछले काफी समय से हमारे जो ओपनर्स हैं वो कुछ खास कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे, और उसमें शिखर धवन भी शामिल है। शिखर धवन एक पारी में चलते हैं, दूसरी 2-3 पारियों में नहीं चलते, उनका बल्ला फ्लॉप हो जाता है। यहाँ पे अब फाइनल्स है, आपको T20 वर्ल्ड कप दिखाई दे रहा है कि ये आपको जीतना है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि धोनी के चांस लेना चाहेंगे। अजिंक्य रहाणे ने पिछले मैच में उन्हें आपने चांस दिया, उन्होंने प्रूव किया। जी हाँ, तो खास पेशकश में बहरहाल आज इतना ही। कल उम्मीद करते हैं कि इंडिया ना सिर्फ फाइनल खेलेगा बल्कि फाइनल में उन्हें जीत भी मिलेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।